यो, क्या हाल है भाई लोग। वेलकम टू द स्ट्रीम बोल रहा था लाल। वेलकम टू अनदर वीडियो। ओ भाई भाई, अरे भाई मेरे को निकलने तो दो, थोड़ा हाय हेलो बोलने तो दो। अरे मार क्यों रहा है, मैंने क्या कर दिया तेरा? ओ भाई, मैं भी बाहर नहीं निकलूंगा गाइस। भाई ये तो पता नहीं कोई तो जानवर है जो कि मतलब वो कर रहा है। अरे तोड़ मत भाई, बहुत सारे सामान है मेरे। अच्छा रुको रुको, एक काम कर लेता हूँ, तो बोला शोला बना सकता हूँ क्या? अरे शिट यार, भाई यार मत तोड़ना। तोड़ क्यों रहा है कमीने? हाँ गया, भाग गया ना। बाएं इसकी आंख तेरी भाई, अजीब लौंडा है भाई ये। और ये भाग क्यों रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। ऐसे छुपके छुपके देखूंगा। अरे शिट भाई, अरे टूट जाएगा भाई, टूट जाएगा ये सब। अरे 2 मिनट का टाइमर भी। अच्छा चलो ठीक है, बात कर लेते हैं। गाइस वेलकम टू अनदर सीरीज ऑफ आर्क मॉन जो कि हम खेल रहे थे। अगर आपने पहला एपिसोड नहीं देखा जाके चेकआउट कर लेना, बहुत अच्छा एक्सप्लोरेशन अपन ने किया है गाइस। तो यार इस बार मैं पता है क्या सोच रहा हूँ, इस बार मैं सोचा एक जानवर तो जरूर पकड़ेंगे। और ऑब्वियसली ये थोड़ा सा हार्डकोर मैंने करा है, जानबूझ के मैंने करा है यार। अच्छा वैसे तो देखा जाए तो ड्रैगन तो नहीं पकड़ सकता, तो आई हैव टू गेट पोकेमोन फॉर श्योर। बट उसके लिए यार थोड़ा सा ग्राइंड अपने को गाइस करना पड़ेगा फॉर श्योर, क्योंकि यार बिना ग्राइंड के यहाँ पे थोड़ा बच पाना काफी मुश्किल रहेगा मेरे मेरे को जितना लगता है। ठीक है तो लेट्स गो। एंड मैं तो सोचा था एक्सप्लोर करने की बात का सोचने वाला था, बट ओके तो दैट गाइज। अच्छा वो वहां पे भाई थोड़ा व्यस्त है, विच इज गुड थिंग। ओए ओए ये, अबे यार ये तो भाई टूट गया। अच्छा स्टोन था, ये सब अपने को चाहिए था क्या? स्टोन तो उठा ली मैंने, थोड़ी सी थैच उठा लेता हूँ। अरे ओ बेटे, अरे चल क्या रहा है तुम्हारा? भाई इस बंदे का HP देख रहे हो? ठीक है ना भाई, ऐसे ही मारना पड़ेगा गाइस। तो गाइस ये हमारा पहला पोकेबॉन है जिसको हम मार रहे हैं, और वो भी स्पीयर के साथ साथ। और ये ले बेटा, अरे थोड़ा सा ज्यादा ऊपर नहीं हो गया? ये ले, 62 का डैमेज पड़ रहा है विच इज फाइन। अभी टाइम तो लगेगा इसको ठोकने के लिए, क्योंकि यार ये कुछ ज्यादा ही मतलब वो कर रहा है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है। और वैसे भी ये सारा मार देगा मेरे को, पता है 100 HP है मेरा तो। हाँ भैंस की यहाँ पे भाग भाग निकल यहाँ से। उसके बॉडी में कौन देखा भाई, कितने ज्यादा स्पीयर्स थे उसके ऊपर। हेलो व्हाट द हेल, इतना भाई उसने मेरे को चपेड़ मारी यार। एक बस एक बार, एक बार इधर आ भाई, तू इधर आ भाई, तू एक बार इधर आ। हाँ ना, किधर भाग रहा है भैंस की आँख? इधर गया ये? अच्छा इधर है ना, आ जा। निकाल और एक खत्म। आराम, तुम्हारी ऐसी की तैसी बुजल बुजदिल, ये क्या हो रहा है इसकी बॉडी क्या हो रही है भाई? मेरे को गाइस अजीब सा लग रहा है इसकी बॉडी को देख के। ओ भाई अच्छी खासी फार्मिंग हो गई वो इसकी। हाँ भाई मेरे को तो पता ही नहीं था, और रिपेयर करना पड़ेगा ये सब। अरे शुक्रिया यार, ये करना जरूरी था, इसको मारना डैमेज करवाना है अरे हाँ भाई हाँ, जरूरी था भाई। मैं सोच रहा हूँ यार, अच्छा लेवल अप गाइज आ गया मेरा, मैं 1 पॉइंट हेल्थ में दे रहा हूँ, क्योंकि तो यार मेरे को हेल्थ पे देना बहुत ही जरूरी मेरे को लग रहा है फिलहाल के लिए देखा जाए तो। ठीक है अभी कौन आ रहा है रे मारने के लिए? मैं वही सोच रहा था अभी कौन है। ओ हेलो, ये कौन है? हिप्नो है भाई। यार इसको अपन अगर पकड़ लेना, लेवल भी अच्छा है यार इसका, पता है क्या? डूड द लेवल इज सो गुड ऑन दिस गाय।
मेरे को लग रहा है इसको पकड़ सकते हैं अपन। 1.4K की टोरपोर है ठीक है, फिर भी मैं सोच रहा हूँ कि पकड़ हम सकते हैं, पता नहीं कैसे पर पकड़ सकते हैं ठीक है। अभी मेरे को पता क्या करना पड़ेगा। ओ हेलो, ये क्या मेरे को कुछ तो मिला, ये कुछ तो क्रेडिट्स मिली है। अच्छा ओके, टर्मिनल पे अपन एक्सचेंज वगैरह करवा सकते हैं। वाह भाई, ये तो मेरे को पता ही नहीं था। लॉल, चलो थोड़ा सा नार्कोटिक दिया जाए मेरे, हमें आर्क देवता सब बेरीज को छोड़, मतलब नार्को बेरीज को छोड़ के सब बेरीज दिया जा रहा है हमें। कहे हमें नार्को चाहिए। अबे काले काले वाले अंगूर चाहिए मेरे को, काले अंगूर समझ रहे हो। हाँ मिली थोड़ी सी, मिली थोड़ी सी, मिली मिली। हाँ ये जब बोल रहा हूँ तभी दे रहा है ना, फिर तो ठीक है ऐसे। हाँ काले अंगूर अपने को चाहिए और जितना हो सके उतना चाहिए। ओ भाई भाई, तुम भी मतलब मेरे ऊपर गुस्सा नक्को करना, क्योंकि वैसे भी देखा जाए तो हमारे पे ज्यादा सामान नहीं है गुस्सा वाले करने के लिए ठीक है। ठीक है। ओके तो ये बन गई। हैरोज भी बना सकता हूँ क्या मैं? नहीं बना सकता। बहुत खूब, ये यही तो अपने को चाहिए था। एनीवेज तो अभी मैं शायद बोला बना सकता हूँ मेरे हिसाब से। यस दैट इज परफेक्ट यार, फाइनली गाइज अपन ने बोला बोला बना लिए, और ये बोला के साथ साथ हम इसको वापस लेके आएंगे फॉर श्योर। ओके गाइज, वे बैक और वापस आ चुके हैं फाइनली। थोड़ा सा अपन ने क्राफ्ट करी है, पर फिर भी यार मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हूँ, और मेरे को भी नहीं लगता क्या लाइक हम ये हिप्नो को टेम कर पाएंगे। वैसे देखा जाए तो यार हिप्नो की एचपी को ज्यादा ही कम हो गई यार, अभी इसको नॉकआउट करना और टेम करने में थोड़ा तो टाइम लगेगा लगेगा। पर उसके अलावा भी हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी है, लाइक दिस गाय राइट ओवर हियर, जिसका नाम है फ्लेरियन। तो लेट्स गो गाइस, पहला पोकेमोन गाइस अपन पकड़ने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। यार मेरे पास पोकेबॉल नहीं है। मगर क्यों? क्योंकि मैं चूतिया हूँ। एक सेकेंड रुको, पोकेबॉल के लिए अपने को क्या चाहिए यार? ओ मैं बना सकता हूँ। ओ शिट भाई, ये सब तो चीजें मेरे को, मैं भाई बोलना चाहिए था ना भाई मेरे को। रुको 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 रुको, ये सब मैं बना सकता हूँ भाई, क्या बात कर रहे है? आहा, बहुत चंगा ना मैं। एक सेकंड, मेरे पास एक अच्छा आइडिया तो है, पर एक सेकंड रुक जाओ मेरे को चेक करने दो। 85 और 14, चल ठीक है 85 और 14 पे अपना का घर है ठीक है। अबे वो तो उधर है, 85 वो और है, 14 उधर है, तो मतलब ये क्या है 17? ठीक है भाई 85 17 ही बोल लो फिर, 85 और 17 18 कहते हैं, चल ना तेरा ना मेरा। हाँ ठीक है, परफेक्ट परफेक्ट है परफेक्ट है। तो यार गाइस थोड़ा सा अपन ऊपर से थोड़ा मेटल लेके आते हैं, और पोके बॉल एक अपन क्राफ्ट कर ही तो सकते हैं, उतना तो भाई अपन कर सकते हैं। दैट्स प्रीटी गुड अमाउंट। ओ देयर इट इज, मेटल गाइस अपने को मिल चुकी है फाइनली। क्या बात है सर, क्या बात है सर। और मेटल क्राफ्ट, मेटल को लेके मैं सोच रहा हूँ पोके बॉल्स थोड़े से बना लेते हैं। पहले यार अपने को ये ना, पहले गाइस अपने को ये पकड़ना पड़ेगा, पहले क्या नाम है उसका, फ्लेरियन पकड़े या फिर इसको पकड़े। मैं सोचा इसको पकड़ते, यार लेवल अच्छा है 290 लेवल, विच इज लाइक अ मैक्स लेवल ठीक है हिप्नो। और फिर उसके बाद 1.4K का टोरपोर है, तो 1.4K का टोरपोर यार मेरे को नहीं लगता ये क्लब से जाएगा भाई, मैं नहीं लगता भाई मेरे को ये शिट, पता नहीं वैसे देखा जाए तो क्या पता भाई, हो सकता है मेरे को ही गलतफहमी होगी। या थोड़ा सा और क्राफ्ट कर ले भाई, और भाई मेरे को लेवल अप दिला दे बेटा। ओके तो अपने पास गाइस प्राइम मीट आ चुकी है और ये सब सब कुछ आ चुका है, तो मैं पता है क्या करने वाला हूँ, मैं सब कुछ अंदर डाल दूंगा क्योंकि बाहर लेके मैं कुछ नहीं जाने वाला। ओके नाउ लेट्स गो फॉर अ पोके बॉल। पहला गाइस पोके बॉल अपन क्या है, ओके टर्मिनल, अच्छा अपने के लिए पोके बॉल ही काफी है। ऑलराइट तो लेट्स गो, अपन क्राफ्ट करते हैं 6 पोके बॉल्स क्राफ्ट करते हैं गाइस ठीक है। वी कैन क्राफ्ट 6 पोके बॉल्स, वेरी नाइस भाई, यही तो मेरे को चाहिए था और क्या। लेट्स गो, और गाइज यहाँ पे अपने को एक और लेवल मिलते हुए, और अपना एचपी हो गया है 180। वेर इज दैट हिप्नो? देयर इट इज, 1.4K के टोरपोर है उस बंदे पे अभी, तो अगर यू नो व्हाट, लेट मी ट्राई दिस ऑन फर्स्ट ऑन द फ्लेरियन ठीक है, क्योंकि यार फ्लेरियन जो है लो लेवल का है ठीक है पहली बात, और दूसरी बात यह है कि टोरपोर है इसके 600 ठीक है,
अभी मेरे को नहीं पता इसको कैसे करते हैं, मेरे को इतना पता था कि इनकी एचपी जो है वो लो करनी पड़ती है। तो लेट्स गो, लेट मी जस्ट लो द एचपी पहला, ठीक है, लेट्स डू दिस। ओके सो एचपी लो करना पड़ेगा अपने को, ठीक है, एंड उसके बाद ही मैं इनको पकड़ सकता हूँ। अभी टेमेबल तो दिख रहा है, वो तो मेरे को पता है यार, 42 का डैमेज हो रहा है भाई, दैट्स लाइक नथिंग, या दैट्स लाइक टोटली नथिंग ब्रो। अभी मेरे को नहीं पता गाइस ये फ्लेरियन टेम होगा या फिर नहीं, पोकेबॉल के अंदर हम पकड़ सकते हैं या फिर नहीं पकड़ सकते। अरे कहना क्या चाहते हो? ओके आई थिंक दैट इज इट, उतना ही काफी है। लेट्स गो, फ्लेरियन को पकड़ते हैं, गो गो पोकेबॉल, भाई प्लीज टेम हो जा। अरे ये क्या बात हुई भाई, that was not intended bro, shit, अरे गलत सीन हो गया भाई, प्लीज टेम हो जा। अरे काहे 11% चांस, क्यों? ओ शिट, नहीं, गलत जगह पे हूं मैं भाई, तू टेम हो जा यार प्लीज ना, ऐसा क्यों करता है भाई प्लीज। अरे तो भाई मतलब ये पोकेबॉल्स कुछ काम के नहीं है भाई, हेलो ऐसे तो नहीं होता है। ओके लेट मी जस्ट डू दिस, ठीक है चल इसको मारते रहते हैं, लेट्स गो। एचपी का ध्यान मैं रख रहा हूँ, कोई टेंशन नहीं। ओके वैसे देखा जाए तो यार ये टेम नहीं होने वाला, मेरे को इतना लग रहा है। फ्लेरियन बेबी यू आर माइन डार्लिंग, तुम मेरी हो, तुम सिर्फ मेरी हो। क्या बोला तूने? नहीं पहले क्या बोला? चल दो दो टॉर्पोर जा रही है ना, ओके वन और एक बस, चल हाँ लेट्स गो भाई, अब तो ठाकुर तो गियो, ठाकुर अबे हे भाई भाई ये तो मेरा टूट गया, कोई ना, रिपेयर शिपेयर भी हो गई है, और ये लो गाइस इसको टेम करके रहूंगा, ठीक है। फ्लेरियन तुम हम अभी तो मर गया, तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। अबे ये तो भाई मैं सही बता रहा हूँ भाई, यार मैं कहीं और देख रहा था, मैं वो टिप्सू को देख रहा था यार, तुमसे ना हो पाएगा। गाइस तो अपन ने फ्लेरियन को मार डाला, पर मेरे को नहीं लगता कि वी कैन बी टेमिंग द हिप्नो, तो अपने को कुछ दूसरा देखना पड़ेगा। लेट मी सी यार, मेरे को पता क्या लगता है, ओ ये क्या है, वो क्या था, ओप भाई नो, मेगा ब्लास्टोइड, क्या मेगा इवॉल्व्ड है क्या ये वाला, नहीं क्या बात कर रहे हैं, एक सेकंड मेरे को एक देखने दे थोड़ा सा, अबे अब कौन आ रहा है, वो रहा, ओ भाई यार ऐसे तो पकड़ भी नहीं पाऊंगा मैं, किसी को भी नहीं पकड़ पाऊंगा। ब्लास्टर्स दैट्स अ ग्रेट लेवल ब्रो, एंड एलवन रैटाटा भाई, इसको पकड़ता हूँ मैं, इस बंदे को मैं पकड़ता हूँ, चलो लेट्स गो गाइस, आइए देखते हैं बाहर से मजा आएगा। एलवन रैटाटा को पकड़ने चलते हैं, आजा बेटी, कमॉन बेबी, टिकट, काटूं तेरी टिकट। हैं? बेटा रुक जा, इसको अभी नॉकआउट गाइस करेंगे, टेंशन कोई ना। पैसिव टेम बोल रहा है, क्या बात कर रहा है, नहीं इसको नॉक कर, पहले नॉक कर इसकी भैंस की। यहाँ विल हेड आउट ऑन द मॉर्निंग, ठीक है, तो आई विल सी यू गाइस इन द मॉर्निंग व्हेन इट कम्स अप, ठीक है, जब सुबह हो जाएगी तब अपन मिलते हैं।
ओके तो गाइस सुबह हो चुकी है फाइनली। नहीं यार एक सेकंड रुको, लड़ा मोस्ट। हाँ ठीक है, तो सुबह हो चुकी है गाइस और सुबह अपन सीधा जाएंगे वो रैटिकेट को पकड़ने के लिए। यार रैटाटा या रैटिकेट कुछ तो था यार, है ना, उसको अपन पकड़ने के लिए जाएंगे यार। क्योंकि आई विल टेल यू, क्योंकि उसको अपन उसकी एक गैंग बना सकते हैं अपन, समझ रहे हो, रैटाटा की पूरी टोली बना सकते हैं अपन। और अगर हो सके तो शायद अपन इवॉल्व भी कर सकते हैं, मेरे को जितना मतलब ख्याल है, पर पता नहीं, देखना पड़ेगा अपने को। ओ हेलो, ये रहा, ओ इसकी तो टॉर्पिलिटी वो हो रही है। और भाई यहाँ पे मेरे खाने के वांदे हो गए, सो लेट्स गो ईट समथिंग। और एक चीज यार, हाँ मेरे को गाइस पता नहीं, मेरे को चैट पे सब बताओ ठीक है। उसकी तो वैसे भी 48 की टॉर्पोर चल रही है, वो उठ जाएगा, कोई टेंशन नहीं उसका ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, मैंने अभी कुछ तो सीन यहाँ पे चल रहा है, मतलब मैं इस तरफ आ रहा हूँ, मतलब वो गाने बज रहे हैं जो मतलब पोकेमोन गुस्सा होके, चलो ठीक है छोड़ो, एनीवेज पोकेमोन पोकेमोन होते हैं अपने को क्या सीन है। एनीवेज जो हाँ इसके बारे में बात कर रहा था, वेल कहाँ गया, अच्छा मैंने कैंप फायर बनाई नहीं है, लॉल बनाया तो था एक, क्या पता कोई याद भी नहीं है। चल ठीक है कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे लगा ले, यहाँ पे लगा लेते हैं, ये थोड़ा डाल लेते हैं और इसके से थोड़ा लेके आ जाते हैं, लेट्स गो। तो गाइज यहाँ पे हमने खाने के लिए भाई पका दिया है सब कुछ ठीक है, जो आएगा यहीं से आने वाला है, लेट्स गो। काफ़ी हाँ थोड़ा सा और दे दे, मैं एक और खा लूँगा तो भाई मेरे पेट जो है वो फुल हो जाएगा। चल बेटा, और यहाँ पे गाइस दो बार हो चुकी है, हमने खाना खा लिया, थोड़ा सा पानी पी के अपन सीधा चलते हैं वो रैटाटा के पास। क्योंकि यार मैं पता है क्या सोच रहा था, मैं सोच रहा था कि रैटाटा की पूरी आर्मी बनाएंगे तभी मज़े आएंगे। क्योंकि यार रैटाटा की पूरी आर्मी आई थिंक ताकतवर हो जाती है मेरे को जितना लग रहा है, और उससे ही अपन यू नो बंदे लड़ेंगे तो वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा एक मेरे ख्याल से। और ये रैटाटा है या चला गया है, अच्छा नॉट टॉरपोर, टॉरपोर नौ है अभी इसका, इस बंदे का अभी टॉरपोर नौ, नौ टॉरपोर है। इसको अभी मैं अभी कैसे पैसिव टेम कैसे करूँगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा, आइडिया तो है। ऐसे जाएंगे अपन ठीक है सीधा, और ये ऐसे मतलब अनकॉन्शियस है ना गाइस, दे तो उस वजह से ऐसा हो रहा है ठीक है। अभी उठेगा एक दो तीन और ये उठा, अरे शिट, हाँ ठीक है मेरे से कुछ तो चुराएगा ये। ओए ओह लेट्स गो रुक जा ओ भाई गाइस पहली बार मैंने पकड़ा है, रुक रेगुलर पिक पॉकेटिंग, अच्छा रेगुलर पिक पॉकेटिंग ये क्या है, एवोल्यूशन मेन्यू इवॉल्व, ओ तेरी गाइस यहाँ पे इवॉल्व भी कर सकते हैं, इवॉल्व टू एलेवन रैटिकेट मस्ट बी लेवल 200। अच्छा तो मतलब अपना लौंडा लेवल 200 होना चाहिए ऐसा क्या भाई, फिर तो अच्छा, तो इसने आके चुराई है यार, तब भी मैं सोचूं तो मतलब एक सेकंड मेरे को एक चीज अभी ट्राई करना है ठीक है, अभी मेरे को एक चीज ट्राई करने का है। ये अपन ने पकड़ा गाइस रैटाटा पकड़ा है ठीक है, तो अभी मैं इसको ओके अब मैं समझा, ओके तो अपने को और पोकेबॉल्स चाहिए। ओ भाई गाइस पहला पोकेमोन हमने पकड़ा है भाई, भाई मजे आ गए यार गाइस, गाइस इसी बात पे लाइक ठोक दो यार, लेट्स गो ब्रो, बहुत हार्ड मेरे को तो भाई मजे आ रहे हैं। अच्छा मॉस्चॉप्स है यहाँ पे ठीक है, तो मॉस्चॉप्स अगर मैं पकड़ लूँ, क्या मैं मॉस्चॉप से पौधे मतलब क्या मैं हार्वेस्ट कर सकता हूँ, आई डोंट नो, पर वो भी देखना पड़ेगा ये बंदा खाएगा क्या। रेयर मशरूम, अरे यार रेयर मशरूम मेरे पास है नहीं यार, रेयर फ्लावर खा लेता यार, प्रॉब्लम क्या थी तेरी, छोड़ो कोई टेंशन नहीं। ऑलराइट तो इसको मैं अंदर डालता हूँ गाइस ठीक है, पहली बात तो हाँ पहले डालता हूँ अंदर, और पोकेबॉल्स जो है ना मैं और क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स गो फॉर 10 और क्राफ्ट कर लेते हैं अपन ठीक है पोकेबॉल्स। और ये लो भाई अपने पास तो भाई पोकेबॉल्स के भंडार आ चुकी है भाई, मैं तो मजाक ही नहीं कर रहा पहली बात तो। और इसको मेरे को रिपेयर करने का है, आई हैव नो आइडिया हाउ इन द वर्ल्ड टू डू दैट, बट ये रहा, नाइस लेट्स गो। तो अच्छा मैंने एक चीज अभी नोटिस करी है ठीक है गाइस, के
ये एलवन रैटाटा जो होता है ये चोरी करता है, पता है क्या? मतलब चोरी करता है एज इन लाइक कैसा बोलूँ मैं, ये लोग सीधा मतलब तुम्हारे उससे ये नॉकआउट टेम है। हाँ दिस इज अ नॉकआउट टेम। क्रिस्टल वाइब्रेंट, ओ हेलो क्रिस्टल वाइब्रेंट, क्या हाल है ब्रो? बहुत बढ़िया। यहाँ पे क्रिस्टल वाइब्रेंट जो है वो आ चुका है। दूसरा राटाटा भी यहाँ पे था ना गाइस, इसको भी देखते हैं थोड़ा सा, है ना, उसको भी देख लेते हैं। ओ भाई मजे तो आ गए भाई। मैं अभी राटाटा पकड़ नहीं सकता, मतलब बैठ नहीं सकता उसके ऊपर, दैट्स द ओनली थिंग। पर उसके अलावा ये क्या है, नॉकआउट टेम। अच्छा गास, अबे इसको कैसे नॉकआउट करूं, अब तो समझ भी नहीं आ रहा मेरे को। गास लेवल तो, ओ ये रहा ये रहा, रुक रुक रुक, रुक। आइडिया तो है मेरे पे। चल बेटे गाइस अपन अभी गास्ली पकड़ने जा रहे हैं, और मेरे को नहीं पता ये क्या ये बोला होगा या नहीं होगा। सो आई हैव नो आइडिया अबाउट इट। अरे ओ भाई नॉकआउट टेम है गाइस ये। ओए ओ मैंने क्या कर दिया, तेरी भैंस की। यहाँ अबे साले ये कौन से लेवल का है? अरे कौन से लेवल, शिट भाई साहब, ओ भाई साहब। अरे यार मेरे मेरे सामान सब वहीं पे रह गए। ओ हेलो, अरे यार कुछ भी बोल ले, दूसरा आएगा ही मतलब आएगा। ठीक है अभी एक सेकंड, जल्दी हार्वेस्ट कर लेता हूँ मेरे बॉडी को, ठीक है, ताकि मेरा बॉडी की नामो निशान ना रहे। अच्छा लेवल का भी है ये बंदा। तो 1 2, शिट कहाँ फेंक रहा हूँ मैं। हट, अबे किधर जा रहा है? ओके आइडिया तो है, होल्ड करो होल्ड करो होल्ड करो, थोड़ा होल्ड करो, आइडिया तो है। ठीक है हेलो हर डियर, क्या हाल है ब्रो? ओए ओए ना ना ना, ये तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ये भी नहीं था। अबे यार राटा टा तुम्हारी भैंस की टाटा। ओ ये रहा ये रहा वो, ये रहा वो, भाग रहे भाग रहे। अरे भाई क्यों भाग रहा तू? अरे रुक जा यार, पकड़ने दे तेरे को यार। शिट भाई यार रुक जा ना यार, मेरी मेरी टोर मेरी स्पीड उतनी नहीं है यार, छोड़ो अभी मैं क्या बताऊं भाई इसको। अभी 1 2 पकड़ा गया, लेट्स गो गाइस, फाइनली फाइनली अपना ये हो चुका है वाइल्ड फीमेल गास्ली। ओ भैंस की आंख, लेट्स गो भाई, फाइनली मैंने इसको अभी नॉकआउट कर लेंगे। और देखते देखते नॉकआउट हो चुके हैं हमारे बंदे, हमारे ये प्यारे से। कितना खाएगा रे मीट, ये 4 खाएगा ना, तो भाई मैं दूंगा 5, क्योंकि मैं आई एम जेनरस। ठीक है तो ठीक है, बस पहला पोकेमोन, पहला तो नहीं दूसरा पोकेमोन हम यहाँ पे पकड़ते हुए, काफी मजेदार लग रहा है फॉर श्योर। शिट रुको भाई, ओ एलेवन निकल बाहर, तो निकल एक्सेस इन्वेंटरी। अब क्या हुआ? ओ गाइस आई एम इवॉल्विंग दिस, ओ भाई लेट्स गो, व्हाट भाई साहब ब्रो, आई वाज एबल टू दिस पोकेमोन हैज नो अदर इवोल्यूशन। हैप्पीनेस, क्या हैप्पीनेस है ब्रो, ये बंदा इवॉल्व भी हो गया, स्टैट्स खतरनाक लग रहे हैं भाई। नहीं यार ये मतलब कुछ ज्यादा ही ओपी था, कुछ भी बोल लो है। नहीं मेरे को तो ज्यादा ही कुछ ओपी लग रहा है भाई, अपने पास रैटिकेट भी आ गया। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। तो
ये भी आ गया और दूसरा ये दूसरा वाला किधर गया? रुको रुको रुको, हाँ ये रहा ना, ये रहा ये रहा ये रहा, इसको क्या चाहिए? नॉर्मल नॉर्मल दे सकता हूँ ना मैं इसको? हाँ लेना, तू ले भाई, तू 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 ले भाई, तू टेम हो जा, दूसरा वाला भी टेम हो गया है, ठीक है चल। याद यही तो मेरे को चाहिए था, फाइनली वी आर एबल टू टेम सम शिट, लेट्स गो ब्रो, ये हुई ना बात। और बस एक खाने के बाद अपने बंदे जो हैं वो फुल ऑन फुल हो जाएंगे, खतरनाक वाले बंदे, लेट्स गो। खा ना, और एक तो है, बस खा जा, खा जा भाई, तू जल्दी खाना। अच्छा इसका तो वो कम नहीं हुआ है, कोई टेंशन नहीं, मैं यार उधर जा रहा हूँ। यार एक सेकेंड, मेरे को जानना ये है ठीक है कि क्या हम गास्ली के ऊपर बैठ के उड़ सकते हैं? मतलब समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? क्या हम गास्ली बन के उड़ के जा सकते हैं या फिर नहीं? क्योंकि यार अगर नहीं जा सकते ना तो यार काफी अनोइंग रहेगा यार, फॉर सम रीजन, है ना। और लीजिएगा ये अपना गास्ली हो गया, कमांड लो, कमांड क्या? ओके दिस इज व्हाट एग्जैक्टली आई वाज टॉकिंग अबाउट ब्रो। तो गाइस फाइनली वी आर एबल टू टेम अ हाई लेवल गास्ली, 284 की गास्ली को हमने टेम तो कर लिया है बहुत सही तरीके से। वैसे देखा जाए तो यार पोकेमॉन्स ना मेरे को जितने लगे थे कि पहले इनकी हेल्थ डाउन करनी पड़ती है और वैसे उसके बाद अपन यू नो कर सकते हैं कुछ, पर यार दिस इज ओ भाई ओए ओए ओए, एक सेकंड एक सेकंड, वेट क्या हो रहा है, ज़्यादा वेटेड क्या है, रुको ये है ड्रॉप कर दिया, ये भी ड्रॉप कर दिया, चल भाई ओ लेट्स गो। हाँ ये कर लो पहले एक्स, अरे यार ये टेम्ड वाला हटाने दो रुको। हाँ नाइस, चल भाई ये तो खतरनाक लग रहा है बेटा, लेट्स गो। यार डैमेज दे सकते हैं क्या था? और डैमेज दे सकता हूं मैं, ओ भाई लेट्स गो। आ ये अपना पहला जानवर मारते हैं। और ब्रो व्हाट्स अप पीटी, कैसे रे? वैसे मैं तेरे को नहीं मारूंगा क्योंकि मैं तेरे को टेम करूंगा ब्रो। आई गॉट अनदर एलो एंड रैटिकेट, बट यार दैट गाइस टू पावरफुल, या बहुत ही ज्यादा पावरफुल है क्योंकि यार 240 लेवल का है और उस पे स्टैट भी काफी है। सो एनीवेज, तो गाइस फाइनली वी आर एबल टू टेम दिस बैड बॉय। आहा बहुत चंगा ना मैं, होली शिट यार लेट्स गो। तो गाइस फाइनली हमने एक डायनो पकड़ लिया है, और एक नहीं यार दो दो डायनो पकड़े हैं क्योंकि रैटिकेट पकड़े और उसके बाद ये अपन ने पकड़ लिया, तो दैट इज सो स्वीट। तो गाइस आज की जो एपिसोड है यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं आपको अगली एपिसोड पे। अगर आपको मजा आया तो भाई मेरे को तो काफी ज्यादा मजा आया क्योंकि निकलने के बाद ही घर से अपन सीधा पोकेमोन से जूझ रहे हैं, दैट इज फिनोमिनल। तो गाइस लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना मत भूलना, तब तक के लिए गाइस मिलते हैं ऑन द नेक्स्ट एपिसोड एंड सी यू ओवर देयर।